हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कुलदीप हेयर स्टाइलिस्ट। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाइबन, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में। चलो बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको नीड एंड क्लीन ब्लो ड्राई करना है, देन उसके बाद क्लिपिंग करनी है। क्लिपिंग फुल हेयर में कर सकते हो आप अगर नहीं है तो। उसके बाद तो आपको ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है और एक हाई पोनी करनी है बैक साइड। और हाई पोनी के लिए आप पैडल ब्रश का ही यूज़ करें, टेलकॉम से हाई पोनी नहीं हो पाती है, इसलिए फ्लैट ब्रश या पैडल ब्रश जैसे मैंने किया है उसी फ्लैट ब्रश से ही करें। पोनी में हमेशा रबड़ और बॉब पिन की हेल्प से ही लूप बना के एक पोनी करनी है। उसके बाद फ्रंट में एक हाई पफ करना है, फुल पफ। सबसे पहले तो हम क्राउन एरिया अलग करेंगे, स्टार्टिंग में क्राउन एरिया से करना है। हमें वन फिंगर के थिकनेस का सेक्शन लेना है, उसमें बैक कॉम करना है, उसके बाद आगे सेक्शन लेना है। और फर्स्ट में ज़्यादा बैक कॉम कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे रहता है एरिया। देन सेकंड में आप ज़्यादा बैक कॉम कर सकते हैं क्योंकि ये भी एरिया शो नहीं होता, लेकिन लास्ट वाले एरिया में आपको कम बैक कॉम ही करनी है बस, क्योंकि वो एरिया में फ्रंट में शो करता है और पिन रखना है उसको। लास्ट वाला एरिया आपको कम बैक कॉम करना है, लाइट बैक कॉम करनी है, नहीं करना है अभी। देन उसको भी होल्ड ही रखना है। होल्ड रखने के बाद आपको क्लीन करना है ऊपर से, यू पिन से आप होल्ड कर सकते हो। यू होल्ड करने के बाद आपको क्लीन करने के बाद देन उसके बाद आपको लाइनिंग करनी है। लाइनिंग लाइट स्प्रे ही यूज़ करना लाइनिंग के लिए हमेशा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से अगर कुछ ख़राब भी होगा तो सही नहीं हो सकता, बट लाइट से आप चेंज कर सकते हो टेक्सचर को, इसलिए हमेशा पहले लाइट स्प्रे यूज़ करो। अगर आपको जब लगे कंफर्म हो जाए ये शेप ठीक है देन उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग करना है लास्ट में। लाइट से स्प्रे कर करके आप क्लीन करते जाओगे और लाइनिंग को टेक्चराइज कराओगे और एक शेप अच्छे से देनी है। और फ्रंट हमेशा मिरर में देख के ही करना है, शेप कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको ठीक भी करना है। जब आपको लगे कि शेप एकदम परफेक्ट है देन उसके बाद आपको टक करना है, फिर एक स्ट्रॉन्ग वाला स्प्रे के तब क्लीन करना है आपको, वो फिक्स भी हो जाएगा आपका हेयर का। क्राउन एरिया करने के बाद फिर आपको साइड के सेक्शन देने हैं और वॉल्यूम के लिए हल्का सा बैक कॉम करना है और उसको भी होल्ड ही रखना है। यू पिन से आप होल्ड करके फिर लाइनिंग करोगे उसको। लाइट स्प्रे में आप नोवा का गोल्ड या शॉर्टस्कोप का टॉप यूज़ कर सकते हो, तीन नंबर दोनों लाइट स्प्रे हैं। और स्ट्रॉन्ग में आप टॉफ्ट ले सकते हो, सिक्स नंबर सल्यूट है शॉर्टस्कोप का, वो भी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रे है वो। लेफ्ट साइड होने के बाद आप राइट साइड पे आएंगे। राइट साइड भी सेम, हल्का सा बैक कॉम करना है, बैक कॉम करके उसे होल्ड करना है, एक शेप दे के होल्ड करके देन उसके बाद हमें लाइनिंग करनी है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करो हमेशा, तभी इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करा करो, इससे हर कोई सीख सके हेयर स्टाइल। और प्लीज़ रिएक्ट ज़रूर करा करो वीडियो पे। अभी फ्यूचर में और भी बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आने वाले हैं, तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो कैसा लगता है अपना ओपिनियन प्लीज़ दिया करो। अब देखो हमारा फ्रंट हो चुका है कंप्लीट। अब यू पिन की हेल्प से भी आप शेप को डायरेक्ट कर सकते हो। डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एरिया दब जाता है तो उस पर यू पिन से भी होल्ड करके आप स्प्रे कर सकते हो स्ट्रॉन्ग। और देखिए पीछे बैक साइड आपको कैसे करना है, आपको पोनी के हेयर और पफ के हेयर मर्ज करके उसे फाइव सेक्शन में डिवाइड करने और अलग अलग सेक्शन को एक स्टार की शेप में बॉब पिन से टक करना है आपको, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से लॉक करना है। फाइव सेक्शन करने हैं, फाइव सेक्शन को अलग अलग सिंगल सिंगल सेक्शन टक करना है।
फुट साइड में। एक ऊपर करना है, चारों साइड में करना है। एक स्टार की जो शेप होती है, जब स्टार बनाते हैं उस शेप में ही करना है। बॉबिन से लॉक करना है दोनों टाइम। फोर्थ सेक्शन, एक बॉबिन नीचे से, एक बॉबिन ऊपर से। लास्ट सेक्शन, और इस बन के लिए हमें एक डिफरेंट टाइप का डोनट चाहिए। आप डोनट भी यूज़ कर सकते हो, या स्टफिंग है आपके पास तो स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हो आप। राउंड स्टफिंग बोलते हैं इसको। और हमने जो बॉब पिन सेक्शन को डिवाइड करके किया था, उस बॉब पिन पे ही यू पिन या बॉब पिन लगानी है आपको डोनट को टच। और स्टार्टिंग हमें लेफ्ट नीचे से करना है। फर्स्ट सेक्शन लेना है, होल्डिंग के लिए आप सिल्वर क्लिप्स यूज करोगे, और स्प्रेड करना है बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक, जो ऊपर का सेंटर पॉइंट होता है उस पॉइंट तक आपको स्प्रेड करना है, जिससे पूरा डोनट कवर हो जाए। इतना स्प्रेड करना है आपको। और सेम डायरेक्शन में ही सेम बाकी जो बचे हुए फोर्थ सेक्शन है, सेम डायरेक्शन में टक करना है। यू पिन से आप पहले होल्ड करना है उसको, देन उसके बाद स्प्रे करके फिर आगे वर्क करना। फर्स्ट सेक्शन टक किया हमने, सेकंड टक करने के बाद फर्स्ट सेक्शन में दोबारा से करना है। सेकंड सेक्शन सिल्वर क्लिप से आप होल्ड करोगे, फिर उसे पूरा ऊपर तक करना है, कोई एरिया बचना नहीं चाहिए उसका। यू पिन लगा के आप ये होल्ड करोगे, होल्ड करने के बाद सेक्शन को छोड़ देना है उसको, फिर सेकंड सेक्शन में ही फर्स्ट सेक्शन मर्ज करना है। अब देख लेते हैं फर्स्ट सेक्शन को देखते हैं। पहले हमने लेफ्ट से स्प्रेड किया था, अब राइट से स्प्रेड करना है, और उस स्टोन को नीचे से हाइड करना है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, अभी हमने ऊपर से लेफ्ट किया था स्प्रेड, अब राइट स्प्रेड करना है। यू पिन से होल्ड करना है उसको, यू पिन से होल्ड करने के बाद फर्स्ट स्टेप को ही हमें मर्ज करना है, या उसके अंदर नीचे हाइड करना है सेकंड के नीचे। आप उसे वॉक पिन से टक कर सकते हो। फर्स्ट सेक्शन आपने मर्ज करने के बाद सेकेंड सेक्शन छोड़ना है उसको भी, देन थर्ड सेक्शन आपको लेना है, उसको भी डोनट के ऊपर स्टफिंग के ऊपर स्प्रेड करना है। सेम पूरा हाफ कवर करना है उससे, फिर से ऊपर लेफ्ट साइड स्प्रेड करने के बाद आप यू पिन से होल्ड करोगे उसको। यू पिन से होल्ड करने के बाद देन आपको सेकेंड सेक्शन लेना है। अब सेकंड सेक्शन लेना है, सेकंड सेक्शन को नीचे डाउन में स्प्रेड करना है, और उसको थोड़ा इतना मतलब डाउन करना है जितना आपका जो गैप है वो गैप कवर कर सके, जो सेंटर में आपका गैप बनता है उस गैप को कवर करना है। और फर्स्ट सेक्शन को नीचे से बॉक्सिंग से टक भी करना है। तो डाउन स्प्रेड करने के बाद दो सेक्शन बचता है, उसको बॉब पिन से टक करना है जिससे वो लेयर नीचे ना गिरे। सेम फिर फोर्थ सेक्शन आपको करना है, आपको क्लिप की हेल्प से स्प्रेड करना है ऊपर तक। ऊपर तक स्प्रेड करने के बाद आप यू पिन लगाओगे होल्डिंग के लिए, और इस स्टाइल के लिए आपको स्प्रे बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग स्प्रे भी आप 6 नंबर टाप का यूज़ कर सकते हो। सॉस वॉप का टाप 6 नंबर आप यूज़ कर सकते हो।
सेम वैसे ही। थर्ड सेक्शन अब मर्ज करना है, नीचे से डाउन कॉल करके डाउन स्प्रेड करना है उसमें। अब लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। लास्ट सेक्शन भी सेम डायरेक्शन में, पहले लेफ्ट साइड से आपको अप स्प्रेड करना है, देन उसके बाद सेकंड सेक्शन आपको डाउन स्प्रेड करना है। दोस्तों अगर वीडियो जैसा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे सब तक नोटिफिकेशन पहुँचे और सब सीख सके ऐसे स्टाइल। और अच्छे से यू पिन से टक कर लें। हेयरस्टाइल कैसा लगा प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करने के लिए एंड टेक केयर, बाय।